अब हमारा प्रश्न है, यूरोपीय राज्यों के मामले पर नियंत्रण कैसे किया गया? जी हाँ दोस्तों, यूरोपीय राज्यों के मामले पर नियंत्रण कैसे किया गया? तो उत्तर है, यूरोपीय राज्यों की आर्थिक दशा में सुधार करने, न्याय का आदर्श उपस्थित करने और आपसी सहयोग का प्रसार करने का प्रयत्न किया। इन सम्मेलनों में छोटे राज्यों की स्थिति एक दर्शक की भांति थी। वे किसी मामले पर अपना वोट नहीं दे सकते थे, केवल विचार व्यक्त कर सकते थे। इन कंसर्ट ने एक बोर्ड बनाया। इस बोर्ड ने छोटे राज्यों के लिए हाई कोर्ट का भी कार्य किया। स्वीडन ने नॉर्वे तथा डेनमार्क के साथ संधि के विरुद्ध कार्य किया, तो उससे जवाब तलब किया गया। हेज के शासक को राजा की उपाधि ग्रहण करने में वंचित कर दिया। मैना के राजा को अपने प्रदेशों पर ठीक से राज्य करने के आदेश दिए। बोलरिया को सीमाएं बढ़ाने से रोका। इस प्रकार बोर्ड की शक्ति तथा प्रभाव बहुत अधिक बढ़ गया। कांग्रेस के मतभेद। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस के मतभेद आपसी स्वार्थों के टकराने के कारण मित्र राष्ट्रों में मतभेद उत्पन्न हो गए। स्पेन के उपनिवेशों में जब आंदोलन हुआ तो वहाँ के राजा फर्डिनेंड ने सैनिक सहायता मांगी। रूस और ऑस्ट्रिया राजी हो गए, लेकिन इंग्लैंड ने इसका विरोध किया। उधर रूस ने भूमध्य सागर में युद्ध पोत भेजे जाने का प्रस्ताव रखा, तो इंग्लैंड ने इसे अस्वीकार कर दिया। इस प्रकार मतभेद बढ़ गए। ट्रंपो का कॉन्फ्रेंस कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन 1820 में ऑस्ट्रिया साम्राज्य के ट्रंपो नामक स्थान पर बुलाया गया। इसका प्रमुख कारण पुर्तगाल, स्पेन, नेपियस आदि के व्यक्तियों ने शासन के विरुद्ध कर दिया था। स्पेन के राजा को हराकर 1812 का संविधान लागू करना पड़ा। इसी प्रकार नेपियन तथा पीड मोड में विरोध हो गया। मेटरनिख तथा रूस के चार का विचार था कि यदि यह ना दबाया गया तो रूस और ऑस्ट्रिया ने भी यह फैसला जाएगा। अतः मित्र राष्ट्रों का एक सम्मेलन बुलाया गया। विरोधियों को दबाने के लिए अनेक सेनाएं भेजी गईं। इसका फ्रांस तथा इंग्लैंड ने विरोध किया। ट्रॉप प्रोटोकॉल, मेटरनिख ने प्रसा रूस को मिलाकर एक समझौता किया, जिसके आधार पर क्रांति के समय सेनाएं भेजने का प्रस्ताव पास किया गया। लेबक अधिवेशन, ट्रॉप अधिवेशन के कुछ समय पश्चात 1821 में कॉन्फ्रेंस का तीसरा अधिवेशन बुलाया गया। इसके अनुसार ऑस्ट्रिया को नेपियस तथा पीडमोंट को राष्ट्रीय आंदोलन दबाने के लिए सेनाएं भेजने का अधिकार दिया गया। इंग्लैंड ने रूस का विरोध किया, मगर व्यर्थ
सिद्ध हुआ। वेरोना अधिवेशन, कॉन्फ्रेंस का अलग अधिवेशन वेरोना में 1822 में हुआ। इसके बुलाने के दो कारण थे। प्रथम तो स्पेन क्रांति से घबरा गया था तथा क्रांतिकारियों का दमन करना चाहता था। दूसरे यूनानियों ने तुर्क सुल्तान के विरोध कर दिया था। रूस अपना प्रभाव भूमध्य सागर तक जमाना चाहता था। अथा मेटरनिख तथा कमलरे ने यह अधिवेशन बुलाया, परंतु अधिवेशन बुलाने का इंग्लैंड द्वारा विरोध किया गया। अथा इंग्लैंड ने सम्मेलनों में भाग लेना बंद कर दिया।